राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार पीपीनी 24/7 में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हाथरस तपा व भरत में किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया जमकर प्रदर्शन। सपा मुखिया की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर की नारेबाजी। मंत्री की बेटी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। लखीमपुर जिले में गाड़ी से कुचल कर की गई किसानों की हत्या पर किया हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एडीएम हाथरस को सौंपा ज्ञापन। हाथरस के जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का धरना जारी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं हाथरस कलेक्टर पर राष्ट्रपति के नाम किसानों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या को लेकर हाथरस के किसानों में दिखा भारी रोष। भारतीय किसान यूनियन शिकायत चौधरी मलिखान सिंह जिला महामंत्री सत्यदेव पाठक पूर्व मंडल अध्यक्ष मंगलेश यादव देवेंद्र कुमार संजय कुमार राजकुमार आदि उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए पहुंचे कलेक्टर परिसर पर। आज देखे संवाददाता अनिल चौधरी जनपद हाथरस से खास रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन आवाज दो किसान एकता किसान एकता किसान एकता जय जवान जय किसान ऐसे प्रशासन और शासन की हम भर्त्सना करते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता जेल भरने के लिए तैयार है। जब 2011 में भी हमने जेल भरो आंदोलन किया था समाजवादी के लोगों ने तो सारे जेल पी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।